सभी को सप्रेम जय भीम। आज सावित्रीबाई फुले के का जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं। उस सावित्रीबाई फुले जयंती के उपलक्ष्य में मैं सभी महिलाओं का अभिनंदन करती हूँ और सभी को मंगल कामना दे रही हूँ। सभी जानते हैं कि क्रांति ज्योति सावित्रीबाई ने समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए कितने कष्ट झेले हैं। 1831 में नायगांव सातारा जिला में सावित्रीबाई का जन्म हुआ। जन्म से ही सावित्रीबाई एक होशियार बुद्धिमान बच्ची थी। 1940 में उनका विवाह ज्योतिबा से हुआ। ज्योतिबा से विवाह होने के पश्चात ज्योतिबा ने सावित्रीबाई से शिक्षित होने के लिए सावित्री को प्रोत्साहित किया और सावित्री ने उस बात को बहुत ही उत्साह से मान लिया, क्योंकि सावित्रीबाई कहती है कि शिरवड बाज़ार में जब वो गई थी तब एक मिशनरी ने उन्हें एक किताब दी थी कि बेटी तुम इसे पढ़ लो, और सावित्री उस समय पढ़ने के लिए सक्षम नहीं थी। वो पढ़ी लिखी वो थी नहीं, लेकिन उसके मन में बहुत चाह थी कि मैं कभी पढ़ूंगी लिखूंगी और इस किताब को मैं ज़रूर पढ़ूंगी। और जब ज्योतिबा ने सावित्री के सामने प्रस्ताव रखा कि सावित्री तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, और उस समय सावित्री को बहुत ही आनंद हुआ कि पति ने मुझे शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया है, मैं पढ़ूंगी और वो जो किताब मेरे पास रखी हुई है वो मैं पढ़ूंगी। और इस विचार से ही सावित्री ने पढ़ना लिखना आरंभ कर दिया। ज्योतिबा ने सावित्री को स्वयं ही पढ़ाया, और इस पढ़ाई में क्योंकि सावित्री बुद्धिमान तो थी ही और उत्साहित भी थी, इसलिए उसने शिक्षा ग्रहण की। ज्योतिबा सावित्री दोनों इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे कि इस अन्याय अत्याचार सहन करने का कारण अशिक्षा अविद्या, यही कारण है। ज्योतिबा फुले ने अविद्या के कारण ही सारा दुख है, सारे जो दुखों की जड़ है वो अविद्या है, इस बात को मान लिया था। इसलिए वो समाज में विद्या का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। फुले दंपत्ति ने इस बात को जान लिया कि अविद्या ही इस सारे अन्याय अत्याचार की जड़ है। भारतीय संस्कृति के हिसाब से जो मनुस्मृति के से भारतीय समाज चल रहा था उसमें वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था इस कदर समाज में रच बस गई थी कि हर किसी ने, अन्याय करने वालों ने ये हमारा धर्म है इस बात को मान लिया था, और अन्याय सहने वालों ने अन्याय सहना ही हमारा धर्म है इस बात को मान लिया था। और इस कारण कोई टंटा भी नहीं था, हर कोई अपनी अपनी जाति से संचलित हो रहे थे। भगवान ईश्वर नाम की एक काल्पनिक व्यक्तिमत्व निर्माण करके उसके डर से सारे ही समाज को इस तरह से बंधनों में, गुलामगिरी में जकड़ा गया था। इसको तोड़ने के लिए महात्मा ज्योतिबा फुले ने इस बात पे ही जोर दिया कि इसके लिए शिक्षा अनिवार्य है। शिक्षा नहीं होने के कारण ही समाज इस तरह से अन्याय अत्याचार में बंदिस्त है। शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए महात्मा ज्योतिबा फुले ने 1848 में पहली स्कूल खोली, लेकिन वो स्कूल कुछ ज़्यादा दिन चल नहीं सकी। उसके बाद उन्होंने 1851, 1852, 1853 में 3 स्कूल खोले और वो स्कूल फिर चलने लगे। वो स्कूल का तात्पर्य ही यही था कि इस समाज में जो प्रताड़ित वर्ग है, सबसे पहले तो भारत देश के संपूर्ण जनसंख्या का
आधा प्रतिशत 50% जो था वो स्त्रियां थी, वो उन स्त्रियों को पूरा अज्ञानी रखा गया। और उसके बाद में 80% जनता थी, बचे हुए 50 में से 80% जो जनता थी वो 80% जनता पूरे क्षुद्र और अवर्ण इनमें से वो जनता थी कि जिन्हें शिक्षा से वंचित रखा गया। इन लोगों को ही पढ़ाने के लिए, इन लोगों को शिक्षित करने के लिए सावित्री ज्योतिबा इन्होंने एक प्रकार का जीवन पर्यंत का व्रत ले रखा। उस व्रत को पूर्ण करने के लिए उन्होंने स्कूल खोले। उस स्कूल में पढ़ाने के लिए शूद्र अस्पृश्य और लड़कियां, इनको पढ़ाने के लिए शिक्षक मिलना असंभव ही था। कोई भी शिक्षक उन्हें पढ़ाने के लिए आगे नहीं आया। तो उस समय ज्योतिबा ने स्वयं अध्यापन का कार्य शुरू किया। लड़कियों को पढ़ाने के लिए फिर महिला शिक्षिका की ज़रूरत पड़ी, तो उन्होंने सबसे पहले सावित्रीबाई को ही पढ़ाया और उसके बाद में सावित्रीबाई ने अध्यापन का कार्य शुरू किया। उस समय सावित्रीबाई की सहेली फातिमा, उन्होंने भी नॉर्मल स्कूल में ट्रेनिंग लेकर वो पहली प्रशिक्षित शिक्षिका बनी और उन्होंने सावित्रीबाई के साथ में इसका अध्यापन का कार्य शुरू किया और इस तरह से उन्होंने शिक्षा का प्रचार प्रसार आरंभ किया। यह बात तत्कालीन उच्चवर्णीय समाज के खासकर ब्राह्मण लोगों को पसंद नहीं थी और उन्होंने अनेक तरह से जो सावित्री को प्रताड़नाएँ शुरू की, उन्हें तकलीफ देना शुरू किया, उन्हें गाली गलौज करना, आते जाते समय उनके ऊपर गोबर कीचड़ फेंक के मारना, उनके ऊपर थूकना, इस तरह की जब उन्होंने काम शुरू किए तो उसका प्रतिकार सावित्रीबाई ने किया। उनकी तरफ ध्यान न देते हुए वो स्कूल जाके अपनी साड़ी बदलती थी। ये सारी दुर्घटनाएं उन्होंने स्वयं सही, उन्होंने अपने सहनशीलता का परिचय दिया। उसके तत्पश्चात उन्होंने एक और भी बहुत ही घिनौनी बात ये की कि एक आदमी सावित्रीबाई के सामने जाके उनको शील भंग की धमकी तक दे दिया। तब सावित्री ने उठाकर एक करारा तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया। सावित्रीबाई कहती है कि जब तक हम डर के रहेंगे, हम डर के जिएंगे, सक्षम नहीं रहेंगे, तब तक सामने वाला हमें डराते रहेगा। लेकिन जिस दिन हम अपने अंदर की ताकत को जगाएंगे और हम डरना बंद कर देंगे, स्वयं को उस काबिल बनाएंगे, ताकतवर बनाएंगे, तभी हम सामने वाले का सामना कर सकते हैं। इतना बड़ा संदेश सावित्री ने तो अपने समय में ही दे दिया और यह जो संदेश सावित्री का है वो हर समय में, हर काल में, हर परिस्थिति में उचित और योग्य है। आज भी अगर हम देखते हैं कि स्त्रियों के ऊपर अन्याय अत्याचार क्यों होते हैं, क्योंकि लड़कियां हैं, डर के ही रहती है। अगर उन्होंने शुरू से ही, माता पिता ने अगर लड़कियों को समान घर में समान तरह की शिक्षा दी, लड़कों को जिस प्रकार अपनी आत्मरक्षा के लिए, अपनी मजबूती के लिए जो ही उनके लिए किया जाता है, वही सब कुछ अगर घर में माता पिता ने अपने बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए भी समान रूप से अगर किया, तो आज कोई बात नहीं है कि लड़कियां अपने आप को बचाने का और अपने आप को सुरक्षित रखने का कोई उपाय न कर सके, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये तो हमारी परवरिश पर ही डिपेंड करता है कि हम किस तरह से हम अपनी सुरक्षा करें। ज्योतिबा सावित्रीबाई ने जो शिक्षा समाज को दी, उस शिक्षा में केवल पुस्तकीय शिक्षा ही नहीं, अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता, सामाजिक न्याय के प्रति जागरूकता और समाज परिवर्तन के भी पाठ उन्होंने समाज को पढ़ाए। यही जो शिक्षा है ये मनुष्य को
अपने विपरीत परिस्थिति से ऊपर उठाने के लिए जीवन में काम आती है। सावित्रीबाई का यही कहना था कि महिलाओं ने स्वयं के अधिकार के प्रति जागरूक होना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए कि प्रकृति ने जो जन्म दिया है, लड़का और लड़की, इसमें कोई भेदभाव नहीं किया। तो फिर मानव को क्या आवश्यकता है इस तरह से भेदभाव पालने की। और इसलिए हर किसी ने, लड़के लड़कियां सबको अपने अपने पसंद की ज़िंदगी जीने का अधिकार मिलना ही चाहिए। तो इस तरह से सावित्रीबाई ने उसी समय लड़के लड़कियों को शिक्षित किया। उस समय की जो कुरीतियाँ थी, स्त्रियों की तो इतनी बुरी अवस्था थी कि उनको पढ़ाई लिखाई का कोई संधि ही नहीं थी, कोई अवसर ही नहीं दिया गया। लेकिन ब्राह्मणों में तो स्त्रियों की इतनी बुरी अवस्था थी कि अगर स्त्री विधवा हो गई तो उसे घर में उसका केश मुंडन करके घर में उन्हें पूरा बंदिस्त किया जाता था, एक काल कोठरी में ही उन्हें डाल दिया जाता था। और सबसे बुरी बात यह कि घर में जिस भी रिश्ते में पुरुष थे वो उनके ऊपर शारीरिक अत्याचार भी करते थे। और इसमें से अगर महिलाएं गर्भवती हुई तो वो गर्भ गिरा देना, या बच्चा होने के बाद में बच्चों की हत्या करना, या स्वयं आत्महत्या करना, इन तीन चीज़ों के सिवाय, तीन बातों के सिवाय उनके सामने कोई पर्याय भी नहीं रहता था। इस कुरीति को जड़ से उखाड़ने के लिए सावित्रीबाई ने एक जच्चा गृह, अपने ही घर में एक जच्चा गृह की स्थापना की। और इस तरह की जो विधवा महिलाएं गर्भवती होती थी उनकी जचकी, उनकी डिलीवरी करने का काम उन्होंने शुरू कर दिया। इस बात के लिए एक कारण यह हुआ कि काशी नाम की एक भाई जो इसी तरह के गर्भवती हुई थी, तो उसे बच्चा होने के बाद में अपने बच्चे के गले पर छुरी रखकर उस बच्चे को मार डालना पड़ा। और इस बात से अतिशय द्रवित होकर सावित्री ज्योतिबा ने यह निर्णय लिया। इसमें जो काशीबाई थी, एक दूसरी काशीबाई नाम की महिला थी जिसकी डिलीवरी सावित्रीबाई ने की, और उस बच्चे को उन्होंने गोद भी ले लिया, उसका नाम यशवंत रखा, और आगे चल के वो बच्चा डॉक्टर बना। सावित्री ज्योति ने जो भी शिक्षा समाज को दी उसका पालन उन्होंने स्वयं अपने जीवन में सबसे पहले किया। सावित्रीबाई फुले का कहना था कि अंग्रेजों ने भारत देश में आकर भले ही अन्याय अत्याचार किए हैं, कुछ बुरी बातें भी उन्होंने की होगी, तभी भी उनका भारत देश में पदार्पण करना, उनका भारत देश में आना एक तरह से उपकारक ही सिद्ध हुआ है। अगर अंग्रेज इस देश में नहीं आए होते और शासन उन्होंने अपने हाथ में नहीं लिया होता तो इस ब्राह्मणी राजवट में, इस वर्ण व्यवस्थावादी व्यवस्था में शूद्र और महिलाओं को पढ़ने का कभी अवसर ही नहीं दिया जाता। और अगर अवसर नहीं दिया जाता तो पता नहीं आज हम लोगों की क्या अवस्था रहती, जहाँ थे वहीं रहते। और भारत जो आज एक स्वयं को विकसित राष्ट्र या कल के लिए महासत्ता बनने की जो उम्मीद रखता है, ये तो असंभव ही था। पूरे देश की 90% आबादी अगर निष्क्रिय रहे, अशिक्षित रहे, तो कोई भी देश अपनी प्रगति कर नहीं सकता। इसीलिए ज्योति सावित्री ने शिक्षा का व्रत ही अपने जीवन पर्यंत आगे बढ़ाया। इस बात का अंदाजा उस समय के ब्राह्मणी वर्ग को बिल्कुल था, इसलिए उन्होंने हर तरह से उन्हें अपमानित करके, उन्हें उनके ऊपर लांछन लगा के उन्हें मार डालने तक की कोशिश की,
और उनका उनका ये व्रत तोड़ने का बहुत प्रयास किया। सावित्री ज्योति ज्योतिबा फुले को मारने के लिए उन्होंने दो लोगों को भी भेजा, और जब रात के समय वो दोनों लोग ज्योतिबा को मारने के लिए पूरे शस्त्र के साथ में उनके सामने प्रकट हुए, तब ज्योतिबा ने उन्हें कहा कि अगर मुझे मारने से तुम्हें पैसा मिलता है, तुम्हारी अगर कोई प्रगति होती है, तुम्हें कुछ प्राप्त होता है, तो तुम अवश्य हमें मार दो। और बड़ी निडरता के साथ में उसी समय सावित्री बाई सामने आ गई और सावित्री ने कहा कि तुम ही महार मांग लोगों के बच्चों को पढ़ाने का व्रत हमने लिया हुआ है, उनकी उन्नति हो, वो पढ़ लिख कर काम धंधा अच्छा कर सके और समाज में अपना अपनी प्रतिष्ठा बना सके, इसके लिए हम कार्य कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी तुम अगर हमें मारना चाहते हो तो हमें ज़रूर मारो। और वही हुआ बुद्ध के समय में जो अंगुलीमाल के साथ हुआ था। बुद्ध की करुणा ने अंगुलीमाल के शस्त्र नीचे डाल दिए गए, उसी तरह से ज्योति सावित्री के करुणा और मैत्री ने उन दोनों हत्यारों के शस्त्र नीचे गिर गए और वह उनके शरण आ गए। वही हत्यारे फिर ज्योतिबा फुले के अंगरक्षक बन गए और जिंदगी पर्यंत उन्होंने उनका साथ दिया। इससे यही हम देख रहे हैं कि उन्होंने तो अपने जीवन का पूरा संदेश आधुनिक जीवन के लिए भी और सबके लिए, उसी अपने ही जीवन में उन्होंने अपने पूरे संदेश दे डाले हैं कि निडरता, करुणा, मैत्री, प्रेम, इन सब में कितनी ताकत होती है। इन ब्राह्मण वर्ग ने जो अन्याय अत्याचार सावित्री ज्योतिबा पर किए, वो सिलसिला अभी रुका नहीं है। आज आधुनिक समय में भी वही ब्राह्मणवादी लोग वर्ण व्यवस्था के अनुसार निचले तबके के लोगों ने पढ़ना नहीं चाहिए, उन्होंने अपनी तरक्की नहीं करनी चाहिए, अच्छे रोजगार उन्हें मिलने नहीं चाहिए, उन्होंने समाज में बराबरी से नहीं आना चाहिए, इस विचार को आगे बढ़ाने के लिए आज हम देख रहे हैं कि शासन ने भी शिक्षा नीति में जो परिवर्तन किया है, जो उन्होंने बदलाव लाए हैं और नई शिक्षा नीति निर्माण की है, उसमें जिनके पास पैसा नहीं है, धन नहीं है, शिक्षा नहीं है, जो जागरूक नहीं है, उन्हें पढ़ाई के तो उन्होंने अवसर कुछ छोड़ा ही नहीं है। इस संपूर्ण शिक्षा नीति के ऊपर नागपुर के हमारे पूजनीय प्राध्यापक घोड़ेश्वर वार सर ने पूरा उसका अभ्यास करके, उसकी समीक्षा करके अतिशय सुलभ अपने भाषणों के द्वारा उन्होंने सारी जनता को अवगत कराया है। इसमें एक बात तो सबके समझ में आ गई है कि सर्वसाधारण परिस्थिति से निकले हुए बालक बालिका इस शिक्षा नीति के तहत अपने स्वयं को नहीं साबित कर पाएंगे, वो इस शिक्षा के लिए सक्षम नहीं हो पाएंगे, और इसलिए इस शिक्षा नीति का विरोध करना जागरूकों के लिए, जागरूक जनता के लिए अतिशय आवश्यक है। जिस तरह से ज्योतिबा सावित्री ने ये निडर होकर आगे बढ़ने का, बाबा साहब ने हमें जो संदेश दिया है, शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करो, उसके बगैर हम अपने अधिकारों को नहीं ले सकते, सामाजिक न्याय की स्थापना नहीं कर सकते, समाज में परिवर्तन नहीं ला सकते, वही संदेश 100 साल पूर्व ज्योति सावित्री ने भी हमें दिया है। तो आज उस शिक्षा संगठन और संघर्ष की समाज को नितांत आवश्यकता है। उसी राह पर चलकर हमें इस शिक्षा नीति का विरोध करना चाहिए, और जो सुलभ
बुद्धकालीन बुद्ध ने जो शिक्षा हमें दी थी कि उन्होंने अपने भिक्षु संघ में ब्राह्मण तो आते ही थे क्योंकि वो ज्ञानी थे, वो जानते थे ज्ञान क्या है, तो वो तो भगवान के पास आते ही थे और भिक्षु संघ में शामिल होते थे, लेकिन भगवान ने हर तबके से, भंगी से लेकर महार मांग और यहाँ तक के सारी स्त्रियों का भी उन्होंने भिक्षुणी संघ निर्माण किया, भिक्षुणियों को भी उन्होंने, स्त्रियों को भी उन्होंने समाज में समानता का दर्जा दिया। तो उसी परिपाटी पे जो शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हमने संघर्ष तो करना ही चाहिए। आज सावित्री जयंती के को याद करते हुए, उन्हें स्मरण करते हुए, हमें सही मायने में सावित्री बाई ने हमें ज्ञान के साथ में हमारे लिए विज्ञा का दालन खोलकर, विज्ञा के साथ में हमारे लिए और कितने संदेश दिए हैं, इसका भी हमें अभ्यास करना चाहिए। इतना जो मुझे समझ में आया वो मैं कह रही हूँ, ये कुछ भी नहीं, सागर में एक बूंद है। अगर सावित्री बाई का पूरा जीवन इतिहास अगर हमने पढ़ा तो हमको क्षण क्षण में हमें हर एक दिन के उनके दिनचर्या में हमें संदेश ही संदेश मिलते हैं। शिक्षा के साथ साथ सावित्री बाई ने प्रेम, करुणा, मैत्री, सेवा भाव, इसकी शिक्षा हम सबको दी है। केवल शिक्षित होने से ही व्यक्तिमत्व का विकास नहीं होता है। उनके जीवन के अंतिम काल में 1897 में जो महाराष्ट्र में भीषण प्लेग की साथ आई, उसमें उन्होंने अतिशय करुणा हृदय से उस कैंप में प्लेग से पीड़ित जनता को, एक तो अकाल भी पड़ा हुआ था, लोगों को खाने के लिए नहीं था, और साथ में ये प्लेग का प्रादुर्भाव भी हुआ था, और उनका बेटा जो डॉक्टर था उसके पास मरीजों को पहुंचाने के लिए, मरीजों की सेवा के लिए सावित्री बाई ने स्वयं को, अपने आप को समर्पित कर दिया, और इसी दरमियान उन्हें भी प्लेग की बाधा हो गई और उनका बेटा यशवंत समझ गया कि मैं अभी इन्हें नहीं बचा सकता, इनकी मृत्यु मेरे सामने है। तो सावित्री बाई का ये भी एक, केवल हम शिक्षा बोल के नहीं चलेगा, शिक्षा केवल शिक्षा नहीं, उनका संपूर्ण व्यक्तिमत्व, वो प्रेम की, ममता की और सेवा भाव की पूरे पूर मूर्ति थी। तो इस तरह से सावित्री बाई ने अपने जीवन काल में हमें अनेकों संदेश दिए हैं, अनेक तरह से हमें शिक्षित, प्रशिक्षित, और आज उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में उन्होंने दी हुई शिक्षा को ध्यान में रखते हुए हमें इस शासन की परिवर्तित शिक्षा नीति का विरोध करना हमारा परम कर्तव्य बनता है। और जिस तरह से उन्होंने सोचा था कि शिक्षा हर इंसान के लिए, भारतवर्ष के हर इंसान के लिए, हर स्त्री पुरुष के लिए समानता से उपलब्ध हो, हमारे संविधान में भी 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त और आवश्यक शिक्षा मिलनी चाहिए, इसका प्रावधान है, उसका उचित पालन होकर सबके लिए समान शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, और इसके लिए हमें संगठित होकर संघर्ष करना बहुत ही आवश्यक है। सावित्री बाई को कोटिशः प्रणाम करते हुए मैं अपने दो शब्द पूरे करती हूँ।